में जिन प्लैनेट्स की भी ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज मैंने बता दी है। अच्छा जी, आप लोगों के एक तो छठे घर में यानी कि 6000 वाट के प्लैनेट्स हैं, दूसरा आपके फोर्थ हाउस में दो अच्छे अमेजिंग प्लैनेट्स यानी कि मार्स भी है और जुपिटर भी है। वैसे तो अगर देखा जाए मार्स की ये जो पोजिशन आपके फोर्थ हाउस में है, साथ जुपिटर है, घर घर वालों की तरफ से या फैमिली साइड इधर आपका फोकस बहुत रहेगा। समटाइम्स इसको यू भी कहा जाता है कि मदर की तरफ से तवज्जो भी चाहती हैं, और या मदर अगर आपकी हो या घर वाले टोटल अगर देखा जाए तो वहां पे तवज्जो चाहिए होती है। फोर्थ हाउस बेसिकली होता तो मदर साइड का है, लेकिन घर घर वाले घर की तरफ से ज्यादा तवज्जो चाहिए थी, फैमिली एनवायरमेंट उधर आप तवज्जो देते भी हैं और तवज्जो चाहिए भी होती है, घर वालों की तरफ जरा थोड़ी सी तवज्जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड होती है, यू हैव टू गिव दैट। और आप अपने घर में ये एक रेमेडी भी होती है, इसको रेमेडी समझ लीजिएगा कि किसी भी किस्म की कोई रूहानियत की तरफ से स्पिरिचुअल कोई भी अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो कोई भी अगर नेगेटिविटी हो, ओवरऑल भी कोई अगर नेगेटिविटी हो तो ये उसको कवर भी देता है, कवर हो जाती है, बेहतरी आती है, आपके घर का माहौल अच्छा होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, हर तरह के मामलात यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हैं। अगर कोई इख्तलाफात हो घर में, स्पेशली अल्लाह ताला सबकी माँ को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, लेकिन अगर कोई आप लोगों के दरमियान कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज है, कोई उलझन आई हुई है तो उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कीजिए भी जरूरी होता है। आपके लिए यहाँ पे जॉब वालों के लिए तो बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस रहेंगे, बेहतरी आएगी। और अगर कोई इंक्रीमेंट्स वगैरह यहाँ पे बिल्कुल लग सकते हैं, कोई जॉब में अगर आप चेंज लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। पर्सनल इमोशनल लाइफ यहाँ पे अच्छी ही रहेगी, कोई बुरा नहीं है। वैसे तो सैटर्न बहुत देर से यहाँ पे रेट्रोग्रेड हुआ है, जैसे जैसे डिग्रीज में आगे की तरफ जाता है रेट्रोग्रेशन में भी आगे की तरफ तो जाएगा, यानी कि बैकवर्ड है तो बैकवर्ड ही जाएगा, लेकिन ये है कि ये आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ को जरा एवरेज रखेगा। यहाँ पे आप खुद से थोड़े से जरा इरिटेट, इरिटेशन वाली सिचुएशन आती है, गुस्से जरा बहुत ज्यादा आएंगे। मार्च वैसे भी चौथे घर में आया है तो घरेलू लाइफ आपकी यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसको आपने जरा मैनेज करते रहना है, अपने एंगर इश्यूज को यहाँ पे कंट्रोल रखना है। उसकी मैं रेमेडी इसलिए पहले बता चुकी हूँ कि अपने घर में किसी किस्म की कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटी को जरा यहाँ पे रखिएगा, जरूर रखिएगा, ये उसके लिए एक बहुत बेहतर या बेहतरीन किस्म की रेमेडी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, इस वक्त आपकी लाइफ में बड़ी चीजें, बहुत सी चीजें परफेक्ट है, बड़ी अच्छी है, बड़ी बेहतरीन है। बहुत से लोग इस वक्त दिल बता आपसे काफी ज्यादा क्या है इनसिक्योरिटीज का इजहार कर भी देंगे। यहाँ पे तो बड़े लोग ऐसे लगते जैसा कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट हैं और दे आर शोइंग देयर इनसिक्योरिटी, जो बल्कि कह जाते हैं, कर जाते हैं, उनके रवैये इस वक्त आपको बताएंगे। और सेहत में अगर आपको कोई या आपकी सेहत है या आपके घर में किसी बड़े की सेहत है जो इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम में नजर आती है, एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम, या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। मेरे के लिए लगता है जिस तरह कोई बहुत बीमार था या किसी को कोई बहुत प्रॉब्लम थी और जिस तरह मेरे के लिए कुछ चीज ठीक हुई है, मेरे के लिए कुछ चीज बेहतरी में आई है। पैसों को लेकर इस वक्त आप क्या है, कंफ्यूज है, या आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की है आपने, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह कोई कंफ्यूजन भी है, यू आर कंफ्यूज अबाउट इट कि मैंने सही लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, क्या किया है। आप अपनी दो तीन चीजों को कहीं पे कुछ एडजस्ट करना चाह रहे हैं, एक्सटेंशन है, मे बी इट्स अ कंफ्यूजन अबाउट यू एंड योर लाइफ पार्टनर, दो लोगों के दरमियान है, या बिजनेस पार्टनर है, कोई पार्टनरशिप में कोई कंफ्यूजन है, या जिस तरह आपकी लाइफ में कोई दो तीन लोग हैं उनके दरमियान कोई कंफ्यूजन है, आप एडजस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं बट शायद कोई इख्तलाफ है और उस इख्तलाफ में बहुत से लोग इख्तलाफ है दो लोगों के दरमियान है, लेकिन शायद उस सिचुएशन में ना घुल बहुत लोग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह
परसेप्शन जो है वो कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, और आपके सामने चीजें किसी और तरीके से वाजे हो रही हैं, चीजें सामने किसी और तरीके से आ रही हैं, और देयर इज अ कंफ्यूजन। चीजें एक्सपैंड जरूर कर रही है मगर विद कंफ्यूजन, या जिस तरह से जो दिख रहा है वो शायद हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो शायद दिख नहीं रहा है, इस तरह की कोई कंफ्यूजन आप लोगों के दरमियान आई हुई है। यस आपकी आपका जो अपना रिश्ता है बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छा है, यू आर डूइंग वेरी वेल, आप खुद से बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज में आपके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं, आप बीइंग अ फादर मदर जो भी आपके, आप खुद से बहुत अच्छा करें, लेकिन शायद बहुत से लोग आपसे पता नहीं क्यों खाम खा ना खुश हैं, पता नहीं क्यों उनके एंगर इश्यूज इस वक्त बहुत ज्यादा बाहर आ रहे हैं। मगर आपको शायद दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ेगा, यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ता है, शायद कहीं से कोई चीज मिस आउट हो रही है, और दूसरों के साथ इस वक्त आपको सुलह फहमी से काम लेना पड़ेगा, अपने एंगर इश्यूज को कहीं ना कहीं इधर उधर गायब करना पड़ेगा, और कुछ सिचुएशंस को आपको, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू मे बी, कि आप शायद सिचुएशन को सही तरीके से देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, और कुछ जैसा मैंने भी कहा कि कोई रिलीजियस, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की इस वक्त आपको जरूरत है। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका बिलीव ऑलरेडी रहता है इम्पॉसिबल चीजों को आप पॉसिबल कर लेते हैं, और इसी बिलीव के साथ आप चलते रहे, आपकी बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके अच्छा जी, आप बहुत से ऐसे जो बंद दरवाजे होते हैं ना, इम्पोर्टेंट दरवाजे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, आप उसको अपनी विल पावर से बिल्कुल खोलते हैं, और आपके अंदर बिल्कुल ऐसी कैपेबिलिटी है, और उनको अपनी इस कैपेबिलिटी को समझते हुए और अपनी विल पावर से ऐसे ही चलते रहे, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इनफैक्ट आपके पास आ रही हैं और आती रहेंगी, और उसमें से बिल्कुल आपको चलना है, बट अपनी विल पावर को ऐसे ही स्ट्रांग रखना है। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है, कार्ड कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, अमन चैन के साथ सारे रेजोल्यूशन निकल आएंगे, और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग, बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर